नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई आखिरकार पकड़ा गया है। जी हां, उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में अनमोल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अनमोल के तार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्ध की हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। अनमोल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से 2 मामले दर्ज हैं और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई पर 18 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में ये गिरफ्तारी कैसे हुई, आइए जानते हैं पूरी कहानी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया है। अनमोल को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। अमेरिका में अधिकारियों ने कुछ समय पहले अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यार्पण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसके कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। अनमोल बिश्नोई को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। बता दें कि अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। वह अपने भाई की तरह ही अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है, कई गंभीर अपराधों में शामिल भी है और कई अपराधों में शामिल होने के कारण वह आरोपी भी है। अनमोल बिश्नोई भारत से फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था और कई देशों में छिपता रहा। इस दौरान अनमोल लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन ज्यादातर कनाडा और अमेरिका में रहा। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसकी गैर मौजूदगी में बिश्नोई गैंग का सारा काम अनमोल ही संभालता है। अनमोल बिश्नोई कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग को विदेश से चला रहा था। अनमोल बिश्नोई का नाम किन बड़े मामलों में शामिल हो चुका है, यह भी आपको बता देते हैं। 2023 में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम जुड़ा हुआ है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी अनमोल बिश्नोई पर आरोप लगे हैं। अनमोल बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। बता दें, अनमोल बिश्नोई को साल 2021 में जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ समय तक जेल में रहने के बाद अनमोल को जमानत मिल गई थी और जमानत पर जेल से बाहर आने के साथ ही वह फरार हो गया। बताया जाता है कि इसके बाद वह फर्जी पासपोर्ट पर विदेश चला गया और इसके बाद से ही वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। हालांकि अब वो पुलिस के शिकंजे में है। अब उसे प्रत्यार्पित कर भारत लाने की कोशिशों में CBI जुट गई है। जल्द ही उसे भारत वापस लाया जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।